हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ये डीसी जो पोर्टेबल फैन है इसको हम कैसे बनाएं आप लोगों को दिखाते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट हम ये पावर सप्लाई को लिया। पावर सप्लाई ये 12 वोल्ट का पावर सप्लाई है। इसको कैसे बनाया तो इसका वीडियो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी ये दो केसिंग को लिया, ये हाउस वायरिंग के लिए ये यूज होता है। इसको हम ऐसे तरह काट लिया। देखिए फ्रेंड्स, अभी ये जो केसिंग था तो इसको हम स्क्रू की मदद से यहाँ पे सेट कर दिया। और ये जो केसिंग है, केसिंग पे हम 3 होल करते हैं इसको टाइट रखने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये जो डीसी 12 वोल्ट का मोटर है तो इसको हम एक केसिंग का कुछ टुकड़े से यहाँ पे स्क्रू की मदद से पूरा सेट कर दिया टाइट से। और दो वायर को हम यहाँ से कनेक्शन कर लिया पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे मोटर को स्क्रू की मदद से पूरा फिक्स्ड कर दिया। और दो वायर को जो कनेक्शन किया, दो वायर को पाइप के अंदर से यहाँ पे निकल गए। ये ट्रांसफार्मर का आउटपुट जो पॉइंट है, आउटपुट पॉइंट के साथ कनेक्ट होगा, एक प्लस और एक माइनस। इसको हम कनेक्शन करके आप लोगों को दिखाते हैं। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव वायर है, इसको कनेक्शन कर दिया ऑलरेडी। देखिए, मेरा पूरा सेटअप ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। अभी इसको ऑन करते हैं। ये किस तरह चल रहा है। फ्रेंड्स देखिए, मेरा पूरा सेटअप कंप्लीट हो गया। एसी का कनेक्शन है, एसी कनेक्शन के साथ हम कनेक्ट कर दिया। और ये जो कैबिनेट है, कैबिनेट का जो ऊपर का हिस्सा है, ये ऊपर का हिस्सा हम स्क्रू की मदद से लगा दिया। मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसको ऑन करते हैं। किस तरह चल रहा है देखिए। फ्रेंड्स, आज का वीडियो यही तक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।